कश्मीर की वादियों में जितनी खूबसूरती है उससे कहीं ज़्यादा जायका वहाँ के मिलने वाले खाने में है। आज पुणे शहर में मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पर आपको कश्मीर में मिलने वाले जायकेदार खाने का लुत्फ उठाने मिल सकता है। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल द लोकल गाइड पे, मैं हूँ नदीम। लेट स्टार्ट। इस जगह का नाम है चिनार। चिनार का मतलब होता है, ये एक नाम है जो कश्मीर में मिलने वाले एक पेड़ का ही नाम है, सो इस जगह का नाम भी इन्होंने चिनार रखा है। इसके एड्रेस की बात करें तो ये बनेर पाषाण लिंक रोड पे ही है, कैपिटल बिल्डिंग में जस्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही इसका सेटअप है पूरा। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सिटिंग है, अगर आप चाहें तो बाहर भी बैठ सकते हैं, बाहर बैठने का भी अरेंजमेंट है। और अंदर इस तरीके का जो प्रॉपर होता है ना पालथी मार के बैठने का, वैसा सेटअप किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर ऐसी टेबल लगाई गई है जहाँ पर आप खाना रख के खा सकते हैं। इसे जो सर्व किया जाता है वो भी कश्मीरी स्टाइल के थाली में ही किया जाता है, जिसे ट्रामी कहते हैं। ट्रामी इज इक्वल टू थाली, यहाँ थाली बोला जाता है, अपने कश्मीर में ट्रामी कहा जाता है। इसके एम्बियंस की बात करें अगर तो एम्बियंस बहुत ही कोजी है, बाहर बैठने का अरेंजमेंट भी है, अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप बाहर बैठिए, और अगर मौसम गर्म है जैसे अभी फ़िलहाल काफ़ी गर्म ठंडा ऐसा हो रहा है तो आप यहाँ अंदर बैठ के खा सकते हैं। अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपको कश्मीरी जो ट्रामी होती है वो नज़र आ जाएगी रखी हुई, जो कहवा होता है जो चाय जैसे होता है उसे सर्व करने वाला भी बर्तन यहाँ पे रखा हुआ है। तो मतलब जो फील है ना एक आपको थोड़ा तो कश्मीर वाली दे देगा। और ये जो बैठने का अरेंजमेंट, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इफ़ यू आर कमिंग इन ग्रुप्स देन डेफिनेटली यू कैन डाइन इन एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दी कल्चर अलॉन्ग विद द फूड। हमने जो यहाँ पे ऑर्डर किया है ना चीज़ों को, उसे कुछ इस तरीके से किया है कि हम ज़्यादातर मिलने वाली चीज़ों को टेस्ट कर सकें, कुछ वेस्ट भी ना हो, और अच्छे से खा के मैं उसका रिव्यू आपको दे सकूँ। अब खाना आता है, मैं आपको खा के बताता हूँ कि उसका स्वाद कैसा है। सबसे पहली चीज़ जो हम ट्राई करने वाले हैं वो स्टार्टर है, मटन कबाब कांती। ये जो है ये एक मटन का सीख कबाब ही होता है, बट इसे थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का बनाया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्याज नज़र आएगी और जो मिर्च है वो नज़र आएगी। उसकी वजह से कैसा होता है कि थोड़ा सा जैसे अपनी चिकन चिल्ली होती है ना, चिकन चिल्ली ड्राई, चिकन चिल्ली ग्रेवी, कुछ वैसा ही बन जाता है इसका वेरिएंट। तो ये प्रॉपर एक सीख कबाब ही है, अब इसे खा के देखते हैं। जो मटन सीख कबाब हमको मुगले स्टाइल का मिलता है, जो आपको किसी भी मुगल रेस्टोरेंट में मिल जाएगा है ना, जो सिटी वगैरह कैंप में बहुत सारे हैं, ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा ड्राई है ये। इसके बाद इसमें मटन का जो फ्लेवर है मीट का वो ज़्यादा आता है। शिमला मिर्च और जो प्याज है वो इसे अच्छा सॉफ्टनेस एक मॉइस्चर इसमें डाल देती है, जिसकी वजह से खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इसका चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, बट टेस्ट रियली गुड। तो ये हमारे पास ट्रामी है, एक प्लेट है जिसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले है ये तबक मांस, जो कि गोट का रिब्स होता है ना, जो चाँप होती है वही है, इसे ब्रेस किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर है गोट इंटेस्टाइन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन गोट यूज़ करके ग्रेवी बनाई गई है, इसे बोलते हैं मेथी मांस। तो मेथी नाम से आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा कि मेथी की कोई चीज़ है, बट नो, दिस इज़ गोट इंटेस्टाइन। इसे चावल के साथ दिया जाता है, और यहाँ पे सलाद है जो प्याज और ऑफ कोर्स कश्मीरी चिली मिर्च के साथ बनाया जाता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको ये राइस इसी के साथ खाना है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बड़ा स्प्रेड है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले जो एकदम ट्रेडिशनल होता है वो है हमारे पास मटन रोगन जोश। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी है इसकी, और इसमें काफ़ी डिसेंट साइज़ का जो गोट का मीट है वो दिया गया है। और उसके अलावा हमारे पास है गुस्तबा, जो कि मीट बॉल्स के साथ बनाया जाता है। इसका जो शोरबा होता है, जो ग्रेवी होती है, वो वाइट कलर की होती है, और ये जो मीट बॉल्स है इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। इसमें जो गोट का मीट होता है उसे पाउंड किया जाता है, यानी कि ऐसे लकड़ी का जो एक हथौड़ा जैसा होता है उससे, आपने देखा होगा मटन लेने जाते होंगे तो ऐसा बड़ा सा लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसपे वो काट काट के कीमा बनाते हैं, इसे वैसे ही उस पर पाउंड किया जाता है। तब तक किया जाता है जब तक ये बिल्कुल श्रेड ना हो जाए। ये रिश्ता है, ये भी मीट बॉल्स के साथ, इसी टाइप की मीट बॉल्स के साथ बनाया जाता है, बट इसकी जो ग्रेवी होती है वो रेड कलर की होती है। उसके अलावा ये है मिर्ची कोरमा। तो ये पूरी एकदम हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन प्लेटर रेडी हो गई है, अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ के ओनर ने, शी इज़ रियली नाइस, सो उन्होंने सर्व कर दिया है, इसे टेस्ट करके देखते हैं। आई विल टेल यू हाउ द टेस्ट इज़। ये पूरी चाप रहती है, और चाप जो होती है ना वो सबसे डिलीशियस पार्ट होता है गोट का, एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे खाते हैं, ये देखिए टूट के अलग हो रहा है, बिल्कुल हल्का गुलाबीपन है गोश्त में, विच टेल्स दैट कि बहुत अच्छे से कुक हुआ है। घी का स्वाद सबसे ज़्यादा आता है इसमें, घी में फ्राई करने की वजह से ऊपर हल्का सा क्रंच आ गया है, और इतने अच्छे तरीके से गल गया है ये। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है ना कि घी और जो गोट का जो होता है फ्लेवर उसके फैट की वजह से, वो आपको प्योर आएगा इसमें,
तो दिस इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ मीट यू कैन एन्जॉय, मतलब एकदम रॉ फ्लेवर, ज़्यादा मसालों का है नहीं, ओवरलोड। मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, इंटेस्टाइन मेथी मांस। तो इसको मेथी मांस इसलिए कहते हैं क्योंकि आई वॉज रॉन्ग प्रीवियसली, इसमें मेथी होती है, कसूरी मेथी डलती है, जिसकी वजह से मेथी इसमें वर्ड है इसके नाम में, और मांस मतलब मटन। तो ये हो गया इंटेस्टाइन, इसे ट्राई करके देखते हैं। हल्की सी चुई है खाने में, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप इसे इन सब चीज़ों के साथ खाएंगे ना, तो ये जो है एक अलग टेक्सचर दे देगी। तो आप तो सोचेंगे इंटेस्टाइन है तो ये कैसा है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा खाने में, बिल्कुल नॉर्मल एक मीट की तरह ही लगती है। ग्रेवी ट्राई करते हैं। सबसे पहले मटन रोगन जोश, कब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मटन रोगन जोश तो ऐसा है कि आपको हर जगह मिलेगा, बट जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो आई थिंक यहाँ ज़्यादा जस्टिफाई हो पाएगी। गोश्त जो है बिल्कुल गला हुआ है, देखिए अब इसे खा के देखते हैं। अमेजिंग, जो ग्रेवी है ना, इट्स जस्ट लाइक वाटरी। जो रस्सा मिलता है ना महाराष्ट्र में, जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही है, बट फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा निखर के आ रहा है। मेरे ख्याल से राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अगर आप रोटी के साथ चाहे तो खा सकते हैं, बट इट टेस्ट रियली गुड विथ राइस। आप इस ग्रेवी को ध्यान से देखिए, इसके ऊपर आपको ये तैरता हुआ नज़र आएगा ना धनिया के अलावा, वो है पुदीना। होता क्या है, कश्मीर जो है वो जो विंटर सीज़न होता है उसमें जो मेन लैंडमार्क है उससे कट ऑफ हो जाता है, तो आवाजाही जो होती है वो बंद हो जाती है, तो फ्रेश सब्जियां आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ की जो औरतें थी घर की, उन्होंने ये एक प्रैक्टिस में लाया कि जो भी प्रोड्यूस होता है गर्मी के सीज़न में वो उसे सुखा कर रख लेती थी, जैसे पुदीना हो गया, और उसे फिर इस तरीके से जब खाना बनता था तो कुछ इस तरीके से उसे फिर ऊपर से स्प्रिंकल किया जाता था। ये देखिए कैसा टेक्सचर दिख रहा है, पिंकिश। खा के देखते हैं पहले ग्रेवी को। इसका जो बेस है ना, दही से बनाया गया है, खट्टापन आपको आएगा हल्का सा, पुदीना की वजह से फ्रेशनेस आएगी, बहुत ही प्यारा सा खट्टापन है हल्का सा दही की वजह से, और पुदीना गजब की फ्रेशनेस दे रहा है। और जो ये मीट है देखिए, इसे पाउंड किया गया है, फिर ऐसे मीट बॉल बना ली गई है ना, और फिर जब इसे पकाया गया है तो इसका टेक्सचर तोड़ टूट नहीं रही थी आसानी से, वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मतलब ज़्यादा नहीं हल्की हार्ड थी, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आराम से टूटेगी, बट इस तरीके से कुछ इसकी पीस है, देखिए खा के देखते हैं। इसमें बड़ी इलायची के दानों का स्वाद आ रहा है बहुत ज़्यादा, हालांकि तोड़ने में थोड़ी सी लगी कि टफ है, बट इट्स रियली सॉफ्ट। इस शोरबे को भी इसने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया है, विच मेक्स इट रियली डिलीशियस। ये जो डिश है गुश्ताबा, इसका सिग्निफिकेंस कैसा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ का जो पूरा तैयारी की गई है ना, जो आपको सर्व किया जाता है खाना, वो वाजवा के जैसे ही होता है, जो कश्मीर में शादियों के टाइम पे बनाया जाता है, जो प्रोसेस होता है पूरा। और इसे सर्व करने का भी जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है कि स्पाइसी पहले होगा, फिर सबसे पहले जो है सीख कबाब दिया जाएगा, फिर आपको मेन कोर्स दिया जाएगा, फिर ये तीखी वाली जो ग्रेवियाँ होती है वो दी जाती हैं। तो ये जो होता है ना, ये सबसे आखिरी में सर्व किया जाता है, वाइट जो ग्रेवी वाला। अब उसका रीज़न ये है कि ये इसमें दही यूज़ होता है, विच विल हेल्प यू इन डाइजेशन। इसमें पुदीना यूज़ होता है, जो आपकी बॉडी कूल डाउन करने में काम करेगा। और ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डन इन कश्मीर फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अगर साउथ इंडियन फूड की बात करें, तो जो कर्ड राइस काम करता है ना, दैट सेम थिंग इज़ डन बाई दिस पर्टिकुलर ग्रेवी। अब हम ट्राई करते हैं मिर्ची कोरमा। इसमें देखिए पीस थोड़े छोटे यूज़ हुए हैं, और इसमें काफ़ी बड़े पीस यूज़ हुए थे। जब भी वाजवा होता है तो उसमें जो कुक रहता है, ही इंश्योर्स दैट कि एवरी पार्ट ऑफ गोट इज़ यूज। तो इंटेस्टाइन का आपने देखा, जैसे हमने एक देश खाई मेथ मांस, उसके अलावा हमने जो यहाँ पे खाया रोगन जोश में, इसमें आप देखेंगे तो देखिए बहुत ही बड़ा हिस्सा है, तो इट्स लाइक पार्ट फ्रॉम द स्पाइनल, जो पीछे बैक का होता है ना बड़ा, ये वो है। और इसमें देखिए प्रॉपर जो मीट की पीसेस है छोटी छोटी। नाम से ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, बट नो इट्स नॉट स्पाइसी, इट्स रिच। इसमें अच्छा मसालों का फ्लेवर आ रहा है, और गर्म मसाले कश्मीरी क्यूजिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट, तो उसका आपको फ्लेवर इसमें डेफिनेटली नज़र आएगा। काफ़ी अच्छा है, अगर आप मान लीजिए सिंगल कुछ आइटम खाना चाहते हैं ना, तो रेदर देन मटन रोगन जोश आप इसके साथ जा सकते हैं, रोटी से भी अच्छा लगेगा, चावल से भी अच्छा लगेगा। अब हम रिश्ता ट्राई करते हैं, इसकी पहले ग्रेवी ले लेते हैं। ये रही मीट बॉल, इसकी भी कंसिस्टेंसी ठीक है, रिच है, क्रीमी फ्लेवर सही होगा बोलना, क्रीमी बहुत ज़्यादा है, माइल्ड टेस्ट है, इट्स नॉट लाइक ओवर स्पाइसी। बड़े इलायची के दानों का फ्लेवर, और इस ग्रेवी को भी इसने एब्जॉर्ब किया है। बहुत ही बढ़िया खाना था, अगर मैं इसको तीन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँ, सो इट वॉज रिच इन फ्लेवर, इट वॉज डिलीशियस, एंड इसको 5 में से 5 स्टार, तीसरा वर्ड छोड़िए रहने दीजिए, 5 में से 5 स्टार। मैं खाना खाने के बाद ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर आप एक अच्छा स्वाद जायका मतलब लेना चाहते हैं कश्मीर के खाने का, अगर आप ये पुणे में बैठ के टेस्ट लेना चाहते हैं, एंड यू आर रेडी टू स्पेंड सम
डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इतना ज़्यादा प्राइस नहीं आया का, आपने देखा सब चीज़ों का प्राइस, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आके एक बार तो ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप मेरे रिकमेंडेशंस पे बिलीव करते ना, एक बार ज़रूर आइए। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, आई एम पेइंग एंड ईटिंग, बट डेफिनेटली दिस इज़ रियली रियली गुड, मज़ा आ गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालाँकि यहाँ पर इन्होंने दे ट्राई टू कीप इट एज नेटिव एज कश्मीरी कुजीन, बट क्योंकि मार्केट के साथ आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है, इसलिए जो ये रिश्ता और गुस्ताबा है इसकी ग्रेवी आपको थोड़ी सी अलग मिलेगी, क्योंकि जो ऑथेंटिक होती है वो उसमें जो ग्रेवी रहती है थोड़ी वाटरी होती है यूजुअली, जैसे जो स्टॉक बचता है ना मीट वीट को बॉयल करने के बाद, उसी में ही गर्म मसाले वगैरह थोड़ा डाल के वो उसे प्रिपेयर करते हैं, पतली होती है वो। बट यहाँ पे क्योंकि मार्केट डिमांड करता है, पुणे में हमको पता है ग्रेवी 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 हम करते हैं रोटी से खाने के लिए, राइस से करने के लिए, तो वो थोड़ा सा उन्होंने उसको चेंज किया है। सो दीज आर लिटिल बिट चेंज एज पर द मार्केट, बट बाकी सारी चीज़ें दे आर ऑथेंटिक। किसी भी कश्मीरी वाजवा की जो जो एंड करते हैं वो इससे इसी से करते हैं, इस ड्रिंक के साथ करते हैं, कावा, जिसे कावा कहा जाता है। इसमें दालचीनी ये सारी चीज़ें डलती है, और मुझे इसमें बादाम भी दिख रहा है, टूटा हुआ बादाम भी है, एक तरीके की ग्रीन टी कह सकते हैं आप, बट इट्स नॉट टोटली लाइक प्लेन ग्रीन टी, इसमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें भी डाली जाती है। पी के देखते हैं, ये मीठी है और दालचीनी की वजह से अब मिठास कुछ अलग ही लेवल की लग रही है, और जो बादाम है उसकी वजह से हल्का सा नटीनेस आ रहा है। तो ये वो यूटेंसिल है जिसे समावार कहते हैं। इसमें कैसा रहता है कि देखो, ये ढक्कन है इसका, है ना, और बीच में यहाँ पर पूरा ट्यूब है जो नीचे जाली लगी हुई है, और वो यहाँ पे जो एशेस है जमा होते हैं, तो इसमें कोयला डाल देते हैं, कोयले से ये पूरा जो है गर्म रहता है। अब इसमें पानी डालने के बाद दालचीनी, लौंग, इलायची, केसर और बादाम का टुकड़ा तो इसमें डाला हुआ है, तो वो सब डाल के छोड़ देते हैं, तो ये धीरे धीरे ब्रू होते रहता है, पकते रहता है, और फिर इसे सर्व किया जाता है। तो एक्चुअली दिस इज़ टी, बट इसमें चाय का नामो निशान नहीं है, इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें डाली गई है, और जो कलर इसका आता है जो काली चाय जैसा दिख रहा है वो केसर की वजह से, और पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, और इसमें क्योंकि खड़े गर्म मसाले यूज़ करते हैं तो वो ठंड में बॉडी को गर्म भी करता है, तो ये रीज़न है इसे पिया जाता है ठंड के सीज़न में, और बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया। तो गाइज़ ये था एपिसोड चिनार पे। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप मटन का जो फ्लेवर है वो लेना चाहते हैं, कश्मीरी जो खाना है उसका जायका लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। मैंने काफ़ी सारी जगह पर खाया है, पर यहाँ का जो टेस्ट वो बिल्कुल इसको यूनिक बनाता है। सारे डिटेल्स जो है एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आए खाएं, ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।